गणपति बप्पा, थोड़ी तो सद्बुद्धि दीजिए। किसे क्या भाई, अजूनी की सासू माँ को। माना कि ये क्रूर है, लेकिन अब तो क्रूरता की हर हद पार कर रही है। लीजिए, अपनी बहू के बाल काटने पर आ गई है। अरे सासू माँ, बड़ा होना अच्छा होता है, लेकिन बड़प्पन उससे भी अच्छा होता है। बहू है जिसका नाम अजुनी है, उसकी सासू माँ उस पर लगातार जुल्म व सितम करती ही आ रही है। कभी उसे मारती पीटती है, तो कभी उसे सजा देने के लिए उसको तकलीफ भी देती है। लेकिन आज तो इस सासू माँ ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। ये देखिए कैसे आज वो अजुनी के बालों पर अपना गुस्सा उतारने वाली है। कैंची से वो आज अजुनी के बालों को काट देगी। ऐसा करने से उसके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि सासू माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल अजुनी की जो ननंद है ना डॉली, उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई है। डॉली का कहना है कि ये काम अजुनी के बहन ने किया। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, डॉली ऐसा कह रही है कि महर ने उसके बालों में च्युइंगम लगा दी। और क्यों लगाई, क्या रीज़न था, वो सब मुझे नहीं पता इस बारे में अभी। बट अब मम्मी जी बहुत गुस्सा हो गई है और वो मेरे बाल काटना चाहती है। वो मेरे पीछे पड़ गई है कि आज तो अजूनी के बाल कटेंगे क्योंकि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो बस वही ड्रामा चल रहा है। अब च्युइंगम को निकालने की कोशिश करनी चाहिए तो सासू माँ का दिमाग कुछ उल्टा ही घूम गया। वो तो कह रही है कि अब अजुनी के बालों को काटेंगी। खैर सासू माँ ये करने ही वाली थी कि हो गई ससुर जी की एंट्री और ससुर जी ने खुद अपनी पत्नी की ही क्लास ले ली। क्या कह रही थी तू कि जो सोचती हूँ वो करके रहती हूँ, यही कहा ना? अरे बड़ी बड़ी जगह है अपने पास, बाहर दुकान खोल देता हूँ, मिसेस मक्का हेयर कटिंग सलून। तेरे को पता कितनी भीड़ लगेगी जब खुद बैठ के बाल काटने की। ऐसे 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 पापा जी ने देख लिया कि मम्मी ऐसा कर रही है, तो अब उनका तो ये वो सबके मजे लेते हैं। वो चाहे उनकी वाइफ हो चाहे उनका बेटा हो, वो सबको सुनाएंगे। तो उन्होंने सुन लिया ये बात, अब वो वही उनको कह रहे हैं कि हाँ आप तो सैलून ओपन कर लो और खूब लोग आएंगे उनको सुनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बेसिकली। अब ये ससुर जी इतने सीधे तो है नहीं, फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज उन्होंने अजुनी की साइड ली। अब इसमें भी ज़रूर कोई बात है जो कि जल्द पता चल ही जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।